अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, है ना? ठीक ठाक हो सो सारे। आज असीं अगला पैराग्राफ पढ़ सां, किस्ता जी, ईशार का जज्बा जिहड़ा आस्ता सबक है ना बच्चा, तो उसका अगला पैराग्राफ आज। आदर कहते हैं कि मुसीबत कभी तनहा नहीं आती, यानी कि मुसीबत कोई मुश्किल जड़ी नहीं, कदे निरे नहीं रही है। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दे दिया। हाँ, आता दौलत की गई जानी, वो सेहत भी क्यों लगी, खराब होने लगी। बीमारी ने इस तरह दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बन कर रह गया। हाँ, यानी कि जब बीमार होया है ना, कि बीमारी सुन इस समय पकड़ा उसको, किसको, अदनान को, है ना। हाँ, के बाद वो कि रह गया सा एक ढांचा रह गया सा खाली, यानी कि हड्डियों ने ढांचा सो, ठीक है ना। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नकारा होने का ऐलान कर दिया। हाँ, यानी कि जिसने डॉक्टर हॉक्टर देखा का है ना, मुआयना की तरह डॉक्टर से चेकअप वगैरह उसका, तो उन्हें आखिया कि भाई इससे तो एक गुर्दे के हो गए जी खराब हो गए। अब इसके जिंदा होने की वाहिर उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। पर डॉक्टर आने लगे कि भाई ये होने की सूरत भी जिंदा रह सकता है, कि भाई जिससे ले असी के कर सें इसका कम से कम एक गुर्दा इसका चेंज कर सें, यानी कि एक नवा गुर्दा इसको लेना पैसी है ना, जरा कम कर दो उसे। ये वाका 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। हाँ, यानी क्या था कि भाई कि ये वाका अगर 5-10 साल पहले पेश आया होता तो किसी भी हाल तक मतलब कि उस लिए स्कूल के आशा पैसा आशा दौलत आशी है ना, तो मतलब खरीद सकता आशा हो, लेकिन आज के दौर में क्या आशा भाई, क्या आशा इस चीज, दौलत भी जोल की दिया आशी है ना, सब कुछ मतलब गरीब हो गया रास है। अब तो दो वक्त की रोटी भी मयसर ना थी। हाँ, यानी कि इसको क्या आशा, दो वक्त की रोटी भी इनको ना थी आशी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती, यानी कि खाते जुगे ना थे आशे, गुर्दे की कीमत को थकन दे बेचारा हो। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही जाने किधर निकल चुके थे। हाँ, यानी कि जेडे उससे अपने पुत्र आसे ना गदरे आसे उससे उन्हें देखा कि भाई इसलिए पी को कह के ही ना दिया है ना, पे के हो गया खाली हो गया, तो पता नहीं वो कोट जोल गया ना। एक शिवा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए इसका साथ दिए जा रही थी। हाँ, यानी कि कौन आसी उन गजने की माँ या इसकी करा ली अदनान दी, जिस तरह के आशा जी शिवा आसी, वो सिर्फ क्या आशी आपने करा ले ना आशी है ना। अपने आगे जयवर्धन को ये ख्याल रह रह कर परेशान कर रहा था कि इन्हें जेन से की गई ना इंसाफी की सजा मिल रही। हाँ, दो ही आपने जाइए सोचते आसे कि भाई परेशान आसे ना, सोच सोच कर परेशान होंगे आसे कि भाई जी उन्हें सुन जेन नाल है ना। हाँ, जेन कौन आसा जी, ओ बच्चा जेड़ा इन्हें गोद के दास है ना। हाँ, आत्म के भाई उस नाल जी आसा ना इंसाफी की थी, उस नाल उस तक सजा मिली, लेकिन पछताने से क्या फायदा है ना, लेकिन आत्म उनको पछताया ना। तो इंशाल्लाह आज आज से इतना ही, कल इंशाल्लाह और पढ़ सा। अस्सलाम।